लकड़ी ढाई स्थित वार्ड 16 में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड 16 निवासी बिहार चैंपियन रहे पंकज बाहुबली को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में वार्ड पार्षद पवन राम, जयश्री महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष और गणमान्य लोगों ने पंकज को फूलमाला पहनाकर व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि विगत 24 अप्रैल को पटना में आयोजित हुए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पंकज बाहुबली ने मिस्टर बिहार का खिताब हासिल किया था। इस अवसर पर वार्ड पार्षद पवन राम ने कहा कि ये वार्ड के लिए गौरव की बात है और आगे भी भविष्य में इंडिया लेवल पर पंकज चैंपियन बने, ये हम सब की कामना है। जब से पंकज बाहुबली ने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है, खासकर युवा वर्ग उनसे काफी प्रभावित है। इस मौके पर योगेश टिंकू, आकाश चौधरी, विकी पांडे, शुभम नारायण, योगी अभिषेक, अनिल महाकाल, चिंटू गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और मैं स्टेट लेवल बिहार लेवल पर हूँ, मिस्टर बिहार चैंपियन ऑफ चैंपियन टाइटल जीतता हूँ मैं। मेरी इच्छा है कि मैं आगे इंडिया का इंडिया से भी इंडिया लेवल पर भी जाऊँ। आज का कार्यक्रम क्या है? आज सम्मान यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो भी है, मेरे पवन भैया लोग, मतलब जो भी मेरे मानने के हैं समाज के, सभी लोग हमें सम्मानित किए हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर युवाओं से क्या संदेश रहेगा? युवाओं से यही संदेश रहेगा कि जिस तरीके हमको सपोर्ट करते आए हैं, ऐसे ही आगे करते रहें। और आप भी अच्छा कीजिए, बोलिए कि आप भी युवाओं को ये कहेंगे कि आप भी अच्छा करें, आप भी अपने मंजिल। और मेरे के जो भी युवा हैं उनसे भी आग्रह है कि इसी लाइन में हमसे भी ज़्यादा अच्छा करें, ताकि उनको भी खुशी का पता चले कि क्या होता है। मैं अपने समाज वार्ड 16 के जितने भी समाज के लोग हैं, आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए गौरव का क्षण है। मैं अपने शब्द या वाणी से इनको मतलब निकल नहीं पा रहा है कि कितनी बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। मैं पंकज बाहुबली, मेरा छोटा भाई है, मैं पंकज बाहुबली से चाहूँगा कि मुझे, मेरी अपनी इच्छा है कि इंडिया के फ्लैग के नीचे गोल्ड मेडल लाएँ और इंडिया के लिए ही आगे बढ़ते रहे। पूरे समाज, पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा देशवासी आपके साथ है और हमेशा लगे रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।